किसी नेता के नाम पे बोलोगे या किसी आम रहनुमा के नाम पे बोलोगे? नहीं, अपने आका के नाम पे अपनी आवाज बुलंद करो, लहके बोल दो या रसूल अल्लाह, यहाँ से बाहर तक सब मिलके बोल दे या रसूल अल्लाह, नबी की नाम की महफिल सजाना हम न छोड़ेंगे, ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे, ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे। और कहो तो छोड़ दे दुनिया की हम वो महफिलें सारी, मगर मिलाद की महफिल मनाना हम न छोड़ेंगे, मगर मिलाद की महफिल मनाना हम न छोड़ेंगे। हजरत भाई यूसुफ बस्तवी आप कलाम पेश कर रहे थे, एक कलाम करबला एक शेर करबला वालों की शान में आया और देखा सब हुसैनी गुलाम है। अरे यार कहीं निकल जाओ, जिस इलाके में चले जाओ, जिस शहर में चले जाओ, जहाँ जहाँ भी हुसैनी गुलाम बसते हैं और सबके दिल की आवाज होती है कि न गोरों की हुकूमत है न कालों की हुकूमत है, मेरे दिल पर अली के दोनों लालों की हुकूमत है। तो जरा झूम के बोल दे या हुसैन, सब मिलके बोल दे या हुसैन, अकीदा है मेरा कि दरे सरकार की मिट्टी जो सर का ताज हो जाए, दरे सरकार की ये सबका अकीदा है, बच्चा बच्चा बूढ़ा जवान सबका ये अकीदा कि दरे सरकार की मिट्टी जो सर का ताज हो जाए, यकीनन ये मेरी तकदीर की मेराज हो जाए, यकीनन ये मेरी तकदीर की मेराज हो जाए। और अगर जब भीख देना बंद कर दे करबला वाले तो दुनिया दाने दाने के लिए मोहताज हो जाए, तो दुनिया दाने दाने के लिए मोहताज हो जाए। बहुत शानदार कलाम, अच्छा लहजा, आपकी समातों की दहलीज पर दर्दक दे रहा था, आपने इक्तिसाब फैज़ हासिल किया। अब आइए फिर अपने बस्ती के बाहर निकलें और थोड़ा सफर करें, टांडा की सरजमीन पे चले, वहाँ से कमाल आवाज का मालिक मुतरन्निम लबो लहजे का शायर बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कलाम पढ़ने वाला सनागर आपकी निगाहों के सामने हाजिर होने वाला है, जिसे दुनिया शायरे अहले सुन्नत मद्दहे बारगाहे सैयदुल मुरसलीन भाई हिलाल कानवी को मैं आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। आइए उनका इस्तकबाल किया जाए चार मिसरों के साथ, लेकिन पहले नारा लगा लें, झूम के बोल दें नारे तकबीर नारे रिसालत जश्ने ईद मिलादुन नबी गुलामाने मुस्तफा फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर नारे रिसालत, खड़ी है हूरे बसते तराम जन्नत में कि आ रहे हैं नबी के गुलाम जन्नत में, कि आ रहे हैं नबी के गुलाम जन्नत में, मेरे रसूल इजाजत अगर अता कर दे तो पढ़ेंगे रोज रजा का सलाम जन्नत में।